साल पुराना मंदिर है, ना कोई नोटिस, ना कोई पहले से कुछ ऐसे बताया गया कि आपको मंदिर तोड़ने वाले हैं चाहे कुछ भी करने वाले हैं। सुबह ही ऐसे ही पुलिस प्रशासन आ गई है और हम लोग पूरी कोशिश करें कि ये मंदिर न टूटे। मैं हमारे मंदिर से कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी भी तरीका से कि कोई ध्वनि प्रदूषण हो या किसी भी, और हमें किसी को भी यहाँ जितने भी एकत्र हुए हैं किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा है, ये मंदिर 20 साल से ज़्यादा पुराना है, जब द्वारका बसी थी उस समय का है और यहाँ शुरू से पूजा होती आ रही है और कोई जगह नहीं घेर रखी, सिर्फ एक पीपल के पेड़ के नीचे है और इससे किसी को परेशानी नहीं है, कोई एनक्रोचमेंट नहीं है। ये मंदिर छोटी जगह में बना है, बिल्कुल घेराव नहीं किया गया है, एक पीपल के पेड़ के नीचे मात्र आस्था यहाँ बैठी है पिछले 22 साल से। उसने इनको ये ज्ञात था कि यहाँ पे कोई लोग इकट्ठा नहीं होंगे, कोई साथ देने वाले ज़्यादा नहीं होंगे और हम इस पर कार्रवाई कर सकते हैं, पर हिंदुओं का एकजुट होना इतने कम समय में ये दिखाता है कि हमारी स्ट्रेंथ बहुत बड़ी। ये मंदिर 2003 से है, ये मंदिर 2003 से है, इससे लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। मैं आप सबसे यही अनुरोध करना चाहूंगा कि मंदिर को कुछ ना हो। मीडिया इंडस्ट्री में एक ऐसा नाम जिसे हर कोई जानता है। राजधानी दिल्ली में लगातार MCD कह लें या DDA कह लें, इनका हथौड़ा वहाँ नहीं चलता जहाँ इंक्रोचमेंट होता है, जहाँ MCD की लापरवाही होती है वहाँ नहीं चलता, और आखिरकार हथौड़ा चलता है तो हिंदुओं के आस्था पे चलता है। क्योंकि ये देखिए जो पीछे मंदिर देख रहे हैं आप, ये कई वर्षों पुराना मंदिर है और ये द्वारका सेक्टर 6 का इलाका है, और यहाँ तमाम जो लोग देख रहे हैं आप ये वेल एजुकेटेड लोग हैं, ये लोग विरोध कर रहे हैं कि ये मंदिर नहीं तोड़ा जाए। जबकि आपको बता दें अब से कुछ देर पहले यहाँ पे DDA के तमाम अधिकारी बिना नोटिस दिए मंदिर को तोड़ने आ गए थे। यहाँ पर पुजारी जी भी मौजूद है, तमाम इलाके के लोग मौजूद हैं, इनसे जुड़ते हैं, जानते हैं क्या कुछ मामला था। सर यहाँ पर आज सुबह ऐसा सूचना मिला कि मंदिर को तोड़ने के लिए MCD वाले आने वाले हैं, ये सूचना आज सुबह ही मिली है। तो हमारे आसपास के जितने भी भक्तजन हैं और शिव इस मूर्ति को और इस मंदिर को जो चाहने वाले हैं वो लोग इकट्ठा हुए पीपल के पेड़ के नीचे, एक बहुत छोटा सा मंदिर जो कि अस्थायी निर्माण नहीं है मंदिर का, एक स्ट्रक्चर के नीचे बैठा हुआ है। इस पे MCD को क्या आपत्ति है और इस सरकार को चाहे जिसको भी हो क्या आपत्ति है मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे और सबके सहयोग से मैं अब सबसे इस तमाम जनता से अपील करूंगा कि इस मंदिर को सुरक्षित रखा जाए। और ये 20 साल पुराना मंदिर है, ना कोई नोटिस, ना कोई पहले से कुछ ऐसे बताया गया कि आपको मंदिर तोड़ने वाले हैं चाहे कुछ भी करने वाले हैं। सुबह ही ऐसे ही पुलिस प्रशासन आ गई है और हम लोग पूरी कोशिश करें कि ये मंदिर न टूटे। अचानक से DDA के अधिकारी आ गए यहाँ पे। भाई साहब हमारे अमन शर्मा जी का बड़ा सहयोग रहा, आज सुबह 7 बजे से यहाँ पे खड़े हुए हैं और सब लोगों को इकट्ठा किया है और हम सभी लोगों को इन जैसा बनना चाहिए। और निधि ये रुचि मैम है और अमन जी तो 7 बजे से हम सबको इकट्ठा किया और एक एक करके यहाँ बढ़ती जा रही है, शायद उसी की वजह से आज ये मंदिर हमारा बच गया कि हम लोग यूनाइटेड हुए। पुजारी जी क्या कहेंगे, ये मंदिर कितने वर्ष पुरानी मंदिर होगी? ये मंदिर 2003 से है, ये मंदिर 2003 से है, इससे लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। मैं आप सबसे यही अनुरोध करना चाहूँगा कि मंदिर को कुछ ना हो। जैसे आप सब ने आज सहयोग करा है वैसे ही आप लोग हमेशा सहयोग करते रहें और अपने धर्म के प्रति हमेशा खड़े रहें। बोले हनुमान जी महाराज की जय। आपको कोई नोटिस दिया, आपको बताया? मेरे को कोई ना नोटिस मिला है ना कुछ मिला है, कल 2 IO आए, उन्होंने बताया और उसके बाद तुरंत एक्शन करा है बस। ठीक है मैम, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से DDA आई अचानक से और मंदिर को तोड़ने का ऐलान कर दिया? नहीं, मंदिर ऐसे हुआ है कि मंदिर तोड़ने के लिए नोटिस आया था पंडित जी के पास, लेकिन हम लोगों की सभी लोगों का सहयोग था कि मंदिर नहीं टूटा। क्या कहेंगे मंदिर ने, मेरे पास हम लोग सुबह से यहीं पर साथ में खड़े हुए हैं, मैंने अभी कमलजीत मैडम से बात किया, उनका फोन आया, उन्होंने कहा कि मंदिर का स्टे के लिए उन्होंने बात कर लिया DDA में, तो मंदिर अब नहीं टूटेगा। देखिए और भी कुछ लोग हैं, इनसे जुड़ते हैं और जानते हैं आप लोगों को नोटिस दिया गया क्या कुछ था। ऐसा है, ये मंदिर 20 साल से ज्यादा पुराना है, जब द्वारका बसी थी उस समय का है और यहाँ शुरू से पूजा होती आ रही है और कोई जगह नहीं घेर रखी, सिर्फ एक पीपल के पेड़ के नीचे है और इससे किसी को परेशानी नहीं है, कोई एनक्रोचमेंट नहीं है, कोई एक्स्ट्रा जगह नहीं घेरी हुई, ना पैदल चलने वालों को कोई परेशानी है, ना पार्किंग है। सिर्फ हमारे आस्था से खिलवाड़ करने की ये जो कोशिश हो रही है उसको हम कामयाब नहीं होने देंगे और इसमें हम प्रशासन से यही अपील करते हैं
कि इस स्थिति को एज इट इज रखा जाए। अच्छा, क्या कहेंगे जहां पर डीडीए की लापरवाही से इंसान की मौत हो जाती है? ये वही द्वारका है जहां बड़े बड़े गड्ढे डीडीए के खुले होते हैं और उसमें गिरकर मौत हो जाती है, वहां डीडीए अपनी हरकत नहीं दिखाती है और इस तरह के आस्था पे जैसे ही उनको लगता है कि उनको लगता है इंक्रोचमेंट है, हालांकि जहां पे डीडीए के द्वारा इंक्रोचमेंट किया जाता है वहां हथौड़ा नहीं चलता है। क्या मानते हैं ये कोई साजिश के तहत किया जा रहा है? बिल्कुल साजिश के तहत है। इसमें जो है वो क्या है कि इजी टारगेट ढूंढते हैं, जबकि एक नियम है कि जिस भी स्ट्रक्चर को 12 साल हो गए हैं, 14 साल हो गए हैं, उस स्ट्रक्चर को छेड़ा नहीं जाता। यहाँ तो 20 साल से ज़्यादा हो गए हैं और वो भी टेम्परेरी स्ट्रक्चर है और कोई भी एनक्रोचमेंट नहीं है, तो इसको जो है बिल्कुल भी ना छेड़ा जाए, हमारी आस्थाओं से कोई खिलवाड़ ना किया जाए। लोग हैं जुड़ते हैं, क्या कहेंगे सर? जिस तरह से पता चल रहा है कि कई वर्ष पुरानी मंदिर है और डीडीए अपनी कार्रवाई कर रही है, डीडीए वहाँ कार्रवाई नहीं करती है जहाँ वाकई कार्रवाई करनी चाहिए? देखिए, इससे साफ पता लगता है, जैसे भाई साहब ने कहा, इजी टारगेट ढूंढते हैं वो। ये मंदिर छोटी जगह में बना है, बिल्कुल घेराव नहीं किया गया है। एक पीपल के पेड़ के नीचे मात्र आस्था यहाँ बैठी है पिछले 22 साल से। उसने इनको ये ज्ञात था कि यहाँ पे कोई लोग इकट्ठा नहीं होंगे, कोई साथ देने वाले ज़्यादा नहीं होंगे और हम इस पर कार्रवाई कर सकते हैं, पर हिंदुओं का एकजुट होना इतने कम समय में ये दिखाता है कि हमारी स्ट्रेंथ बहुत बड़ी है। और फिर मैं एक ही बात कहूँगा, एक ईंट इस मंदिर की हम हिलने नहीं देंगे, चाहे आज कल कभी भी इकट्ठा होना पड़े या अगले एक महीने दो महीने बैठना पड़े, हम सारे मिलके यहाँ बैठेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे? और एक ही रहेंगे, ये सबके लिए। हमें हमारे मंदिर से कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी भी तरीका से कि कोई ध्वनि प्रदूषण हो या किसी भी, और हमें किसी को भी यहाँ जितने भी एकत्र हुए हैं किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, क्या कहेंगे जहाँ डीडीए की लापरवाही से इंसान की मौत हो रही है? बिल्कुल होता है ऐसा, बट मंदिर से क्या प्रॉब्लम होती है? इससे सब लोगों की आस्था जुड़ी हुई है, तो ये चीजें ना करें, हमारी आस्था को ठेस ना पहुंचाएं। देखिए, ये तमाम यहाँ पर जो इलाके के लोग थे इनका यही कहना है कि आखिरकार डीडीए आस्था पे हथौड़ा क्यों चला रही है। हालांकि आपको बता दें, इनका ये भी कहना है कि नोटिस अभी नहीं दिया गया। सबसे बड़ा सवाल उठता है, क्या डीडीए सिर्फ आस्था के लिए बनी है? क्या डीडीए एनक्रोचमेंट के लिए नहीं बनी है? क्या डीडीए जहां पे डीडीए की लापरवाही से इंसान की मौत हो जा रही है, डीडीए वहां क्यों नहीं कार्रवाई कर रही है? ये आज सबसे बड़ा सवाल है और कहीं ना कहीं इन सवालों के कटघरे में आज डीडीए के तमाम वो अधिकारी खड़े हैं जो अपनी कार्रवाई आस्थाओं पर दिखाती है। सोचिए, इन्हीं आस्थाओं पे कहीं ना कहीं अगर वो हिंदू होंगे तो उनके भी प्रति यही आस्था होगी। और ये दिखाइए, यहाँ पर देखिए, तमाम जो भगवान की प्रतिमा है ये कहीं ना कहीं इससे पता लग रहा है कि कई वर्षों पुरानी ये तमाम प्रतिमा है। और ऐसे में डीडीए की एक बड़ी कार्रवाई कहीं ना कहीं यहाँ पे जब लोग एकजुट हुए तो उनको खाली हाथ लौटना पड़ा, वरना वो आज हथौड़ा चला देते यहाँ पर। सबसे बड़ा सवाल आज डीडीए से है कि जहाँ पर इंक्रोचमेंट है वहाँ डीडीए कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है। वीडियो जर्नलिस्ट मनीष के साथ उदय हिंदुस्तानी, उदय भारत न्यूज। मीडिया इंडस्ट्री में एक ऐसा नाम जिसे हर कोई जानता है।